हमारे साथ जुड़े रहने के लिए ज्ञान ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही इस बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। क्या आपका भी अमेजोन नहीं चल रहा है? क्या आप जानना चाहते हैं कि अमेजोन में हम रिफ्रेश प्रॉब्लम को कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो फिर इस वीडियो को देखते रहिए। हेलो, नमस्ते, मेरा नाम है सनोज। तो चलिए इसे देखने के लिए चलते हैं अपने फोन पे। सो यहाँ पर अब हम अपने फोन पे हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने फ्लिप यहाँ पे अमेजोन को ओपन किया हुआ है। तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि जो हमारा अमेजोन है इसमें कुछ भी रिफ्रेश नहीं हो रहा है और कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पे ओपन नहीं हो रहा है। तो ये क्यों होता है और इसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं, वही हम देखने वाले हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो कुछ भी यहाँ पे रिफ्रेश नहीं होता। जैसे यहाँ पे मैं कोई एक प्रोडक्ट सबको सेलेक्ट करके दिखाता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ओफो समथिंग वेंट रॉन्ग यहाँ पे लिखा हुआ आ जाता है। तो इसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले तो यहाँ से आप बाहर आ जाइए अमेजोन से, क्योंकि ये प्रॉब्लम जो है वो इंटरनेट कनेक्शन का है, क्योंकि हमारे अमेजोन में कनेक्शन नहीं मिल रहा है किसी कारण से। तो इसी कारण से वह उसमें इस टाइप का जो प्रॉब्लम है वो आता है। इसके लिए सबसे पहले तो आपको ऊपर से स्लाइड करके चेक करना है कि आपका जो नेटवर्क है वो प्रॉपर आ रहा है कि नहीं और आपका जो इंटरनेट डाटा है वो ऑन है कि नहीं। उसके बाद ये सब चेक करने के बाद आपको एक बार एयरप्लेन मोड को ऑन कर लेना होगा। उसके बाद इसे ऑफ कर देंगे और आपको मोबाइल डाटा भी ऑन कर लेना है और अब आपको कनेक्शन पहले आने देते हैं और अब आपको जाके अमेजोन में चेक करना है कि अब आपका जो प्रोडक्ट है वो रिफ्रेश हो रहा है कि नहीं, ऑन हो रहा है कि नहीं। अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो अब आपको जाना है सेटिंग्स पे। सेटिंग्स पे जाएंगे और यहाँ पे आपको थोड़ा सा नीचे जाना है, यहाँ पे आपको मिलेगा ऐप मैनेजमेंट, इस पे क्लिक करना है। इसके बाद ऐप लिस्ट पे जाएंगे, यहाँ पे आपको सबसे पहले अमेजोन को ओपन कर लेना है क्योंकि अमेजोन सबसे ऊपर ही थे। इसमें हम क्लिक करके इसे ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले आप इसे फोर्स स्टॉप कीजिए और उसके बाद स्टोरेज यूजेज पे जाइए, क्लियर कैच करना है आपको, क्लियर डाटा नहीं करना है, इससे आपका जो अकाउंट लॉगिन होगा वो हट जाएगा। तो इसके लिए आपको सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे मैं आपको सेटिंग बता दूँ, डाटा यूजेज डिटेल्स, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको चेक करना है कि ये जो दोनों ऑप्शन है, डिसेबल मोबाइल डाटा, डिसेबल वाईफाई, ये दोनों ऑफ रहना चाहिए। अगर ये आप में ऑफ है तो ठीक है, अगर ये ऑफ नहीं है तो आपको फटाफट से ये ऑफ कर लेना होगा। ऑफ करने के बाद यहाँ से आप बाहर आ जाएंगे एंड अब यहाँ पे हमारा जो सेटिंग है वो हो गया है कम्प्लीट। यहाँ से अब यहाँ से हम बाहर आ जाते हैं, पूरा कट कर देते हैं और अब आपको जाके अमेजोन में चेक कर लेना है कि अब आपका प्रोडक्ट रिफ्रेश हो रहा है कि नहीं। अब मोस्टली केस में यही प्रॉब्लम होता है, अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो आपको एक और सेटिंग करना है। वापस से सेटिंग पे जाना है, यहाँ पे आपको जाना है सिम कार्ड एंड मोबाइल डाटा, सबसे ऊपर ही होगा, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको चेक करना है कि जो आपका डिफॉल्ट कार्ड है। अब देखिए कई बार क्या होता है कि हमारा जो नेट है वो दूसरे सिम में होता है लेकिन हमारा यहाँ पे मोबाइल डाटा में दूसरा सिम सिलेक्टेड होता है, इसके कारण भी कई बार प्रॉब्लम होता है। तो आपको चेक कर लेना है कि कौन से सिम में आपका इंटरनेट है और उसी को आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ से बाहर आ जाइए और अब आपका जो प्रॉब्लम है वो 100% सॉल्व हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे हम अमेजोन को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे अब आप देखते हैं कि अब रिफ्रेश हो रहा है कि नहीं। सो यहाँ पे ये खुल चुका है। चलिए कोई प्रोडक्ट यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, जैसे ऊपर ये वाला, और यहाँ पे आप देख सकते हैं फटाफट यहाँ पे सब खुल रहा है। तो यहाँ पे इस तरह से अब हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। अगर इतना सब स्टेप्स करने के बाद भी अगर आपका ठीक नहीं होता है तो आपको चेक कर लेना है कि आपके जो मोबाइल का जो सिम है उसमें आपका इंटरनेट डाटा है कि नहीं। अगर हो सकता है आपका इंटरनेट खत्म हो गया होगा, इसके कारण भी रिफ्रेश नहीं होता है, तो आपको चेक करना है कि आपका इंटरनेट है कि नहीं। तो यही सब स्टेप्स होता है और इसी तरह से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं।